हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार आज बहुत दिन बाद काम से आया, ऐसा टाइम मिला है वीडियो बनाने का, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाउस टूर पेंडिंग था, हाउस टूर से ज़्यादा ज़रूरी, हाउस टूर तो मैं आपको दे ही दूंगा, छोटा सा इसके अंदर क्लिप डाल दूंगा हाउस टूर का, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको हाउस कैसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है और क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं हाउस के लिए, हाउस की सही कॉस्ट क्या है एंड जो भी सबसे रिलेटेड चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने फ़ोन में कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं जो मैंने बहुत दिन से रिसर्च करके टाइप करके और जिस चीज़ से मैं खुद गुजरा हूँ वो मैंने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, तो यार उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो भी फैक्टर्स कंसिडर करने हैं एक हाउस रेंट करने में कनाडा को एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है नेबरहुड, दूसरा है द हाउस इटसेल्फ और उसके बाद वॉशरूम और आपका लैंडलॉर्ड से आपको क्या बातें करनी है। तो सबसे पहले तो नेबरहुड की बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या बस स्टॉप कितनी पास है। अगर आपका बस स्टॉप 20 मिनट 25 मिनट की वॉकिंग है और वहाँ पे बस स्टॉप नहीं है तो यार आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। मेरा जो बस स्टॉप है दैट इज़ अ 6-7 मिनट वॉक मेरे घर से, तो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है क्योंकि यार सुबह सुबह आपको पता है क्या भागा दौड़ी होती है। अगर सुबह 9 बजे का आपका जॉब है या 8 बजे का भी कभी कभी बुला लेते हैं तो उस टाइम बहुत ही रश में निकलना पड़ता है, राइट। दूसरा, क्या वहाँ पर पार्किंग एरिया है, राइट। अब ये डिपेंड करता है आप कार लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, लेकिन स्टिल पार्किंग एरिया होना चाहिए कि इन द फ्यूचर अगर कुछ यू नो एवरीथिंग गोज राइट, आप जल्दी 6-8 महीने 1 साल के अंदर अगर कार ले लेते हो तो आपको वहाँ पे पार्किंग एरिया भी चाहिए। उसके बाद आसपास शॉप्स कितनी है, ये तो नो ब्रेनर है यार। आसपास एटलीस्ट 1 से 2 कुछ बेसिक नेसेसिटी वाली शॉप तो होनी चाहिए। अगर कोई भी बेसिक ब्रेड लाना है, दूध लाना है, कुछ भी शॉप अगर है ही 2-2 घंटे दूर तो आप कैसे जाओगे, राइट। फिर ग्रोसरी एडवांस में प्लान करनी पड़ेगी यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक बार में सारी ग्रोसरी ले आओ। उसके बाद सेफ्टी, आसपास स्ट्रीट लाइट्स कितनी है, आपने देखना है स्ट्रीट लाइट रात में 7-8-9 बजे के बाद काम कर रही है नहीं कर रही है क्योंकि अंधेरा है। ऑफ कोर्स कनाडा इज अ क्राइम फ्री कंट्री बट यू नेवर नो, इट जस्ट टेक्स वन इंसिडेंट टू यू नो मेक इट ऑल गो रॉन्ग या जो भी है। उसके बाद इस टॉपिक के बारे में मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या आसपास ड्रगीज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर ड्रगीज वगैरह हैं तो वो एरिया आपको अवॉइड करना है। सो इज़ इट वेरी लाउड जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी हाईवे के पास रह रहे हो या कोई ऐसी रोड के पास रह रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा बिजी है तो यार आप रात को सोओगे कैसे। अगर हाईवे के पास आपका घर है तो गाड़ियों के जाने की आवाज़ एंड एवरीथिंग, तो जस्ट मेक श्योर इट्स अ क्वाइट प्लेस। एंड लास्टली, आपका घर यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, तो यार यूनिवर्सिटी से जितना पास हो सके ले लो। मेरा घर 8 किलोमीटर दूर है विच इज़ कंसिडर्ड एज फार, जो यहाँ पे दूर माना जाता है, तो आप यूनिवर्सिटी के 3-4 किलोमीटर में अगर घर ले लोगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। देखो यार, बाय एनी मीन्स ये कोई भी परफेक्ट लिस्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरे से मिस होंगी। ऑफकोर्स कुछ सजेशंस आप दोगे तो यार किसी के कुछ वैल्यूबल सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ना, राइट। मैंने जितना मुझे याद आया, जितना ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मैं जितनी लिस्ट में लिख पाया मैंने वो सारा कुछ लिखा है। अभी हमने नेबरहुड देख लिया, अभी सीधा घर की बात करते हैं। तो यार घर में सबसे पहले तो आपको क्लिनलीनेस देखनी है। अब क्लिनलीनेस के सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपका जो क्लिनलीनेस का स्टैंडर्ड है क्या उसके हिसाब से घर मिनिमम साफ तो होना ही चाहिए यार, क्योंकि रहना आपने ही है। उसके बाद हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम चेक कर लेना। अभी आपको पता है रिसेंटली कनाडा में हीट वेव आई थी, कनाडा में टेम्परेचर 45-42 तक हो गया था, राइट। तो हीटिंग और कूलिंग सिस्टम आप अगर चेक ना कर पाओ तो एटलीस्ट लैंडलॉर्ड से पूछ तो लो। उसके बाद सारी अप्लायंसेज वगैरह चेक कर लेना, यहाँ पे मिनिमम जो अप्लायंस लैंडलॉर्ड आपको देगा ही देगा दैट इज़ एक फ्रिज, एक बर्नर स्टोव एंड हो सके तो एक माइक्रोवेव, राइट। ये बेसिक अप्लायंसेज आप चेक ज़रूर कर लेना। उसके बाद अगर ये एक शेयर्ड स्पेस है, अगर आपके घर में 2 रूम है 3 रूम है उसके अंदर से एक रूम या एक शेयर्ड स्पेस आपको मिलने वाला है तो प्लीज़ अपने रूममेट से और लैंडलॉर्ड से इस बात की एक्सप्लिसिट क्लैरिटी ले लेना कि आपको कितना स्पेस कहाँ मिलने वाला है, कि आपको फ्रिज में कितना स्पेस मिलने वाला है, कि आपको क्लोजेट में कितना स्पेस मिलने वाला है, आपको जो भी स्टोरेज है जहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह रखोगे उसका अलग आपको कितना स्पेस मिलने वाला है, इस चीज़ की पहले ही बहुत एक्सप्लिसिट क्लैरिटी ले लेना। क्योंकि मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा इसी वजह से होता है कि यार मेरा सामान यहाँ रखा है, तूने मेरे सामान के पास रखा है, यू नो हाउ इट इज़। उसके बाद यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम है, राइट। तो कहीं भी आप जाओगे यहाँ पे बेड बग्स और इंसेक्ट्स बहुत कॉमन है, अपने इंडिया में नहीं होते थे, तो यार उसके लिए भी एक बेसिक आप चेक ज़रूर कर लेना। उसके बाद हिंदी में ना कहते हैं सीलन, समझते हो ना, जैसे घर में कोई वेट स्पॉट होता है, जैसे पानी वगैरह लीक कर रहा होता है, तो यार वो ज़रूर देख लेना क्योंकि उससे फिर बैक्टीरिया होता है, यू नो कीड़े वगैरह होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, राइट। कहीं से भी कुछ भी लीक नहीं कर रहा होना चाहिए, कहीं भी सीलन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक वियर्ड चीज़ है जो मैं करता हूँ किसी भी घर देखने से पहले, एक रूम में आप एंटर करो, रूम में एंटर करके 5-10 सेकंड वहाँ रुक के ज़रा रूम को स्मेल करो खड़े होके कि रूम में से कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी बदबू तो नहीं आ रही है। तो दिस इज़ जस्ट समथिंग आई डू कि मैं रूम में वहाँ पे खड़े होके जस्ट 10 सेकंड के लिए ना रूम को स्मेल करो कि क्या कुछ फाउल स्मेल, क्योंकि आपने वहाँ पे रहना है यार सालों साल, महीने 6 महीने 3 महीने जो भी है,
तो इट जस्ट मेक सेंस। उसके बाद आपने किचन एरिया चेक करना है, कोई भी सिंक वगैरह लीक ना हो रहा हो, ठीक है, कोई भी टैप वगैरह लीक ना हो रहा हो। उसके बाद गार्बेज डिस्पोजल का वहाँ पे क्या सिस्टम है, क्या बहुत दूर गार्बेज डालना पड़ता है या जो भी है, कि वो जो आपके रूममेट्स हैं या जो भी वहाँ पे पहले बंदा रह रहा था, वो गार्बेज के लिए आप जस्ट आस्क हिम, जो भी आपका रूममेट है या फिर जो भी आपका लैंडलॉर्ड, जस्ट आस्क कि गार्बेज आप कहाँ थ्रो करते हो, राइट। उसके बाद रूम में जहाँ पे आप रहोगे वहाँ पे विंडोज़ कितनी है यार, एटलीस्ट पूरे घर में एक विंडो तो होनी चाहिए जिससे एयर और सनलाइट आ सके। मेरे घर में आई थिंक दो तीन विंडो हैं, ठीक है, दो विंडो तो हैं ही, एक ब्लाइंड्स है जिससे सनलाइट आती है और दो विंडो ऐसी है जिससे एयर आती है, तो उससे रूम पूरा सर्कुलेटेड रहता है और कोई भी फाउल स्मेल वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती। उसके बाद तीन चार चीज़ें और बचती हैं कि जहाँ भी आपका बेड एरिया है वहाँ पे प्लग पॉइंट्स का क्या है। आई एम श्योर कनाडा के घरों में यहाँ पे प्लग पॉइंट्स की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टिल इट जस्ट मेक सेंस टू चेक के प्लग पॉइंट्स की सिचुएशन ठीक होनी चाहिए, जहाँ भी आपको यूज़ करना है एक्सेसिबल होने चाहिए, राइट। उसके बाद स्लीपिंग सिचुएशन क्या है, जब भी आप कोई शेयर स्पेस लो तो वहाँ पे प्लीज़ ये चीज़ क्लियर कर लो कि किसकी शिफ्ट कितने बजे है, किस तरीके से हम सोते हैं, एक रूम में कितने लोग सो रहे हैं, या जो भी है स्लीपिंग सिचुएशन क्या है, आपके कंफर्ट के हिसाब से वो है या नहीं। ऑफ कोर्स मैंने घर में बहुत कुछ तो कवर नहीं किया, लेकिन बेसिक मैंने कवर कर दिया है। अभी लास्ट चीज़ पे आते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बाथरूम, ठीक है, आपका जो वॉशरूम है उसके अंदर कि बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं। सबसे पहला तो कि वहाँ पे गरम पानी आता है कि नहीं, ऑफ कोर्स कनाडा है, गरम पानी आता ही होगा, लेकिन स्टिल देर आर केसेस जहाँ पे फॉल्टी कुछ सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ सुनने में आता है, राइट, बहुत कुछ पता चलता है कि यार ये खराब था, लैंडलॉर्ड ने सही नहीं करा, एक्स वाई जी, तो जस्ट इट जस्ट मेक सेंस कि आप फिजिकली उसको टैप में, जहाँ भी आप वॉश बेसिन में जहाँ भी चेक करो, एक बार वो चला के देख लो, एक मिनट लगेगा, जस्ट चला के देख लो। गर्म पानी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जिस भी वॉशरूम में आप जाओ वहाँ पे जस्ट इमेजिन योर सेल्फ टेकिंग अ शावर देयर, ठीक है, अपने आपको इमेजिन करो कि आप वहाँ नहा रहे हो, तो क्या कनाडा की जो विंटर होती है जो -10, 20, 30 तक जाती है, राइट, वहाँ पे आप उस ठंड में नहा पाओगे कि नहीं, तो वो चीज़ एक बार आपका जो बाथरूम सिचुएशन है उसको प्लीज़ ज़रूर अच्छे से देख लेना। एग्जॉस्ट फैन, हर वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन होना मैंडेटरी है, तो आप प्लीज़ ये भी देख लेना कि आपके वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन है या नहीं, खासकर अगर शेयर्ड स्पेस है और एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो फिर अगेन फाउल स्मेल्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारा फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहेगी, फिर सब कुछ गंदा रहेगा, राइट, तो एग्जॉस्ट फैन, मेक श्योर देयर इज एन एग्जॉस्ट फैन। उसके बाद दिस इज़ स्पेशली रिलेटेड टू शेयर्ड स्पेसेस, अगर आपकी जैसी जगह जा रहे हो जहाँ दो तीन लोग पहले रह रहे हैं और वॉशरूम एक या दो ही है, तो आप जाके वहाँ पे देखो कि जनरल लेवल पे जो वहाँ पे टॉयलेट सीट है और जो वहाँ पे वॉशरूम एरिया है उसमें जनरल लेवल पे क्लीनलीनेस कितनी है, ठीक है, शेयर्ड स्पेसेस में यू डोंट वांट टू कैच एनी यूटीआई और समथिंग, तो प्लीज़ एक बार जरूर देखो कि जनरल क्लीनलीनेस कितनी है, एंड जस्ट आस्क, जो भी आपको कुछ गंदा लग रहा है तो आस्क व्हाई इज इट डर्टी, ठीक है, यू वांट टू बी ऑन द सेम पेज ऑफ क्लीनलीनेस विद योर अदर रूममेट, जिसके साथ आप रह रहे हो उसके साथ आपकी इतनी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि जितना क्लीनलीनेस आपको पसंद है उतना ही सामने वाले को पसंद हो, अगर पसंद ना हो तो एटलीस्ट यू लेट देम नो कि दिस इज माई स्टैंडर्ड्स कि भाई इतना साफ तो एटलीस्ट रहना चाहिए, राइट, ओके। उसके बाद जैसे मैंने आपको रूम के अंदर बताया था कि आपको एक्सप्लिसिटली कितना स्पेस मिलने वाला है रूम के अंदर, उसी हिसाब से अभी आपको वॉशरूम में देखना है कि आपको पूछना है कि मुझे वॉशरूम में अपना सामान रखने के लिए, अपना फेस वॉश, अपना यू नो एक्स वाई जी, जो भी आपका बेसिक होता है कि उसको रखने के लिए कहाँ जगह। यार अगर एक वॉशरूम को तीन लोग यूज़ कर रहे हैं, कैनेडियन वॉशरूम इतने बड़े नहीं होते कि इंडिया जैसे या जैसे भी नॉर्मल हमारे होते थे घर में बड़े बड़े वॉशरूम 7 फीट बाय 10 फीट के, इतने बड़े नहीं होते, ठीक है, कि वहाँ पे 3-4 लोगों के सामान रखने की जगह हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये पूछ लो कि वेयर विल आई कीप माई स्टफ, क्या वो वॉशरूम में रखना है, आपको क्लोजेट में रखना है, नहाते हुए वापस वॉशरूम में ले जाना है, सो मेक श्योर आप उस सिचुएशन से यू आर कम्फर्टेबल विद दैट। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ, कि अगर आप शेयर्ड स्पेस में हो प्लीज़ आस्क या प्लीज़ मेक श्योर यू नो कि एक वॉशरूम को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप एक घर में रह रहे हो जिसके अंदर दो बेडरूम है, एक वॉशरूम है, तो यार अगर एक एक बेडरूम में दो दो लोग भी रह रहे हैं, मतलब टोटल 4 लोग उस घर में हैं, 4 लोग अगर एक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, देर इज़ नो वे यू कैन मेंटेन क्लीनलीनेस, मतलब ऑफकोर्स आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो यार एक वॉशरूम पे मैक्सिमम दो लोग शुड बी अ मैक्सिमम, अगर आप यू वांट टू स्ट्रेच इट तो मे बी अ थर्ड गाय, ठीक है, 3 लोग से ज़्यादा एक वॉशरूम, मतलब कि फिर यार वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होने लगती है, राइट। तो ये था कुछ बेसिक आइडियाज़ जो मैं किसी भी घर लेने से पहले मैंने देखा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कॉस्ट की, के बेसिक क्या कॉस्ट है यहाँ पे, तो यार डिपेंडिंग ऑन आप कैसा एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक रूम
एक घर में जो शेयर्ड स्पेस है, पहले शेयर्ड स्पेस की बात कर लेते हैं, एक घर जिसमें दो या तीन बेडरूम है उसमें एक बेडरूम आपको एनीवेयर बिटवीन 500 से 1000 के बीच मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज 650-700 में आपको एक रूम अपने लिए पर्सनल मिल जाएगा, 600-700 इतने में। अब अगर आप उसको किसी के साथ शेयर करोगे तो अगेन एंड ऑफ कोर्स 700 इंक्लूड्स यूटिलिटीज़, मतलब आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल एंड आपका हीटिंग, ये सब उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है, यूटिलिटीज़ में। अगर आप उसको ऑफ कोर्स किसी के साथ शेयर करोगे तो वो 300-300 या 400-400 में आपको डिवाइड हो जाएगा। तो जो बेसमेंट मैंने लिया है उसके अंदर एक बेडरूम है, एक वॉशरूम है, किचन है जो हॉल के साथ ही बना हुआ है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ दैट इज़ $800 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ एंड वाईफाई, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा डील मिल गया था। इसके अंदर सिर्फ कैच ये है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी से 8-10 किलोमीटर दूर है, तो मुझे यूनिवर्सिटी जाने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो यार आई एम विलिंग टू गिव अप ऑन सम टाइम, यू नो, मे बी 30-40 मिनट्स मैं एक्स्ट्रा ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो पास घर थे वो इससे एटलीस्ट डबल कॉस्ट के थे, एटलीस्ट डबल, ठीक है, ट्रिपल क्वाड्रपल भी कॉस्ट है। सो दिस इज़ माय लिविंग सिचुएशन, इतना मैं पैसे दे रहा हूँ एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आपको घर ढूंढना कैसे है। तो यार घर ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि घर नहीं मिलता है, यहाँ पे घर सबको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले कहाँ देखना है, सबसे पहले आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखना है। फेसबुक मार्केट प्लेस यहाँ पे इज सो बिग कि वहाँ पे आपको डेली के मतलब बहुत सारे नए नए लिस्टिंग्स मिल जाएंगे कि यू नो एवरी डे समवन इज़ मूविंग आउट, समवन इज़ मूविंग इन, कुछ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत सारे लिस्टिंग्स मिल जाएगी। लिस्टिंग्स नहीं मिलती, सेकंड प्लेसेस Kijiji, ठीक है। Kijiji पे आई थिंक मैंने तो Kijiji देखा था, मुझे कुछ भी ऐसा Kijiji से अच्छा नहीं लगा। मेरा जो घर मैंने ढूंढा था फेसबुक मार्केट प्लेस से ढूंढा था, मैंने एडवर्टीजमेंट देखा, इट वाज पोस्टेड 1 or 2 आवर्स अगो, मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया सेलर को एंड मैंने कॉल किया एंड उसके बाद आई सेट अप द मीटिंग सेम डे ओनली। मैं शाम को गया एंड मैंने एक दो दिन में उसको फाइनलाइज, नेक्स्ट डे में इनफैक्ट मैंने उसको फाइनलाइज कर दिया था, राइट। तो फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ योर फ्रेंड, बाकी तो यू हैव योर रेफरेंसेज एंड फ्रेंड्स एवरीथिंग, आई डोंट थिंक आपको वो बताने की ज़रूरत है। तो दिस वॉज अबाउट द वीडियो, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ भी आपके सजेशन है जो मैंने मिस किया उसको आप कमेंट्स में डालो। आई वुड लव टू नो मोर कि मैंने क्या मिस किया एंड कोई बाद में ये वीडियो देखे तो उसको कमेंट्स पढ़ के कुछ किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप कनाडा के और कुछ देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।